तो नमस्कार सभी का हार्दिक स्वागत है हार्ड ओपिनियन के साथ पर, जहां हमारे साथ है आज रामगंज टेक्स के वरिष्ठ पत्रकार जो हाल ही फिलहाल में काफी सुर्खियों में रहे हैं, वहां के स्थानीय विधायक मदन दिलावर के एक बयान के चलते। बयान में विधायक मदन दिलावर ने पत्रकार साबिर खान को गुंडा कहकर संबोधित किया और सार्वजनिक रूप से उनका नाम लेते हुए आम सभा के दौरान ये बात कही गई है। हम पत्रकार साबिर खान जी से जानते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर क्या उनका कहना है, कैसे इन चीजों की शुरुआत हुई और आखिर किन चीजों को लेकर विधायक ने यह बयान दिया है और क्या इसके बाद रहा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हार्ड ओपिनियन न्यूज के खास से पेशकश पे। तो क्या कुछ मामला रहा जिसकी खीज की विधायक साहब ने इस तरह का बयान दिया आपके लिए और किस प्रकार से आप इन चीजों को देखते हैं सर? नमस्ते रवि जी और धन्यवाद, आपने मेरे को हाड़ौती न्यूज चैनल पर इनवाइट किया। रवि जी मैं आपको बताऊं कि मदन दिलावर जी विधायक हैं और एक बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, महामंत्री हैं बीजेपी के, तो ऐसे में अगर वो कुछ बोलते हैं, कोई टिप्पणी करते हैं, कोई कथन करते हैं तो जाहिर है उनकी हर चीज खबर बनती है और खबर बननी भी चाहिए। अगर ऐसी व्यक्ति की खबर नहीं बने कोई बोलना करना बयान देना तो फिर राजनीति में तो इस तरह होता नहीं है। तो मदन दिलावर जी की जहाँ तक बात है, वो रामगंज मंडी के विधायक हैं, उन्होंने गुंडा कहा। अब गुंडा कहने में तो मैं आपको बताऊं कि रवि जी मेरे तो आज तक 40 साल हो गए मेरे को पत्रकारिता करते हुए और पत्रकारिता के जीवन में और सार्वजनिक जीवन में भी आज तक मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है तूतू में या किसी भी तरह का, देश के रामगंज मंडी कोटा जिले किसी भी थाने में आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। रही बात पत्रकारिता की, तो मेरे को तो कई बार रामगंज मंडी उपखंड पे मेरे को प्रशासन सम्मानित कर चुका। एक बार मैं ईटीवी में काम करते हुए उस संस्थान ने मुझे सम्मानित किया। ऐसे में गुंडा कहना मेरे लिए भी बड़ा वो दुखदायी रहा कि दिलावर जी ने मेरे को गुंडा क्यों कहा। दिलावर जी चाहते तो ये शब्द इस्तेमाल नहीं करके आरोप लगा देते, कुछ भी कह देते कि साबिर खान ने ये करा वो करा या मेरे खिलाफ शिकायत करते, लेकिन गुंडा कहना तो मेरे लिए बड़ा वो रहा अपमानजनक। तो जी रवि जी, तो आपको क्या लगता है कि किन बातों को लेकर कि इतना चिढ़ गए, आपकी किन बातों से इतना चिढ़े कि उन्होंने ये शब्द आपके लिए प्रयोग किए हैं, आपको क्या मानना है या ऐसे ही बयानबाजी के? देखो रवि जी, विधायक जी अभी पिछले दिनों रामगंज मंडी में नगर, मैं आपको पहले तो एक बात बता देता हूँ, पंचायत समिति खेराबाद में एक पंचायत है हीराखेड़ी पंचायत और वहाँ एक महिला सरपंच है जोरा भी, तो आप वहाँ गए थे नरेगा का निरीक्षण करने और नरेगा का निरीक्षण करने के दौरान इन्होंने वहाँ ये कहा कि आपके सरपंच भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार मचा रखा है सरपंच ने, तो वहाँ जो नरेगा कर्मी थे वो उन सरपंच साहब के समर्थन में आ गए और विधायक जी के खिलाफ नारेबाजी की और विधायक को क्या नाम से वहां से कहा कि आप हमें रोजगार दे रही है सरपंच, तो आप हमें इस तरह की बात ना करें और आप यहाँ से जाए और गिराव करके इनकी नारेबाजी करके वहां से रवाना किया था। रवि जी उस खबर को मैंने ब्रेक करी थी, वो खबर पूरे प्रदेश में चली थी। उसके बाद इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले किसानों के लिए बिरयानी खाते हैं और क्या नाम से आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करा था, जो आंदोलनकारी किसान है, तो वो भी काफी हाईलाइट हुई थी। इसके अलावा इन्होंने मुख्यमंत्री को जेब कट कहा था, तो उस खबर को भी मैंने ब्रेक करी थी क्योंकि विधायक हमारे हैं और खबर रामगंज मंडी में कहते हैं तो ब्रेक होनी है, तो शायद वो इससे नाराज थे। दूसरी बात रवि जी, रामगंज मंडी विधानसभा चुनाव में एक बात देखने को मिली कि जिन वार्डो में प्रचार करने गए वहां इनके भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हार गए और जा नहीं जा पाए समय की कमी के कारण या किसी कमी के कारण, तो ये वहां नहीं जा पाए तो वहां के प्रत्याशी जीत गए, यानी 40 में से 13 प्रत्याशी भाजपा के जीत गए, तो ये खबर भी ब्रेक ही बनती है, तो हो सकता है इससे नाराज हो। जी कांग्रेस के जीते, जी कांग्रेस के पास तो जीते थे सर, तेरा कांग्रेस के तो कांग्रेस के वहां 19 करीब जीते थे
और 13 करीब भारतीय जनता पार्टी के जीते थे। रवि जी एक खास बात हो रहा है, जब जब इन्होंने टिकट बांटे थे तो उस टाइम मैंने एक विश्लेषण करके ये कहा था कि जिस हिसाब से दिलावर जी ने टिकट बांटे है उस हिसाब से 13 सीट ही मिल रही है। तो मेरा सही निकला तो हो सकता उससे नाराज की हो गई। एकदम सटीक था, पूरी संख्या जो आपने अनुमान लगाया था एग्जिट वही परिणाम आए। कहीं ना कहीं ये चीजें भी इफेक्ट की हो शायद। जी 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 जी। तो उस पूरे वाक्यांश के दौरान जो भी बयान दिया उसके बाद काफी आक्रोश देखने को मिला क्षेत्र के पत्रकारों में भी, और ज्ञापन वगैरह भी दिए गए, तो सपोर्ट मिला काफी पत्रकारों का आपको, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो ऐसा है कि पत्रकारिता करने में आप सबको तो खुश कर नहीं सकते, एक पक्ष तो नाराज होना है, किसी के लिए लिखते हैं तो कुछ लोग दूसरे नाराज होना है ना। विधायक जी नाराज हो गए, विधायक जी की ऐसा नहीं है, विधायक जी ने अच्छे काम किए तो वो भी उन्हें करे दिखाए। ऐसे में अगर विधायक जी ने मुझे गुंडा कहा, और जो क्षेत्र के पत्रकार सब लोग जानते हैं कि साबिर भाई इस तरह के नहीं है या साबिर भाई साफ स्वच्छ छवि के, तो वो बिना कहे सुने मेरे समर्थन में आ गए। रवि जी मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ कल ही पहुंचा हूँ, परसों पहुंचा हूँ, मैं पिछले 10 दिन से साउथ के दौरे पे था, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में पत्रकारों ने जो मेरे को मतलब समर्थन दिया, मैं पत्रकारों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और खासकर जो हमारे अध्यक्ष राजू राठौड़, बड़ी दमदारी से वो सामने आए हैं और उन्होंने ना ज्ञापन वगैरह दिए हैं, मेरा पक्ष रखा, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे संगठन ने पक्ष रखा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि पत्रकारों के लिए ही संगठन जो है वो इसी तरह काम आते रहे, क्योंकि पत्रकार तो देखो बुरा तो बनता है, किसी का अच्छा बनता है तो किसी का बुरा बनता है। जी सही है सर। तो कहना चाहूंगा कि जानकारी है कि विधायक जी ने आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करवाया है। नहीं रवि जी, उसमें मैंने विधायक जी के लिए ना तो कभी अपमानजनक टिप्पणी की है, ना कभी मैंने कुछ उनके लिए लिखा है व्यक्तिगत तौर पे, और उन्होंने मेरे मानहानि का करा तो वो कोर्ट में करते हैं, उन्होंने थाने में करा, वो समझ में नहीं आया। और दूसरी बात, उन्होंने धारा 3 में भी मुकदमा दर्ज कराया है, तो धारा 3 का जहां तक सवाल है कि ये एक तरह से विधायक जी ने दुरुपयोग किया धारा 3 का, क्योंकि मैंने है ना ऐसा कोई विधायक जी के लिए जातिगत या धार्मिक या इस तरह की कभी भी कोई टिप्पणी नहीं की है, और विधायक जी ने ये धारा 3 का तो देखा जाए तो सरासर दुरुपयोग किया है। जी रवि जी। जी सर, मेरा भी यही मानना है कि एक जनप्रतिनिधि को और जनता को चुने हुए नेताओं को आलोचनाओं से डरना नहीं चाहिए, अगर उनके खिलाफ बोला जा रहा है तो उनका निष्पक्षता के साथ जवाब देना चाहिए और किसी को देश की भावना नहीं रखनी चाहिए। रवि जी मैं बताता हूँ आपको, मैं अभी जस्ट आधा घंटे पहले की बात बताता हूँ, मैं कोटा हूँ अभी, और मैं ये अपने बाजार है जो महिलाओं का, जो इंदिरा बाजार के मेन रोड पे मैं स्कूटर पे बैठा हुआ था, और मिसेज मेरी इंदिरा बाजार में गई थी तो मैं स्कूटर पे बैठ गया, तो मेरे पास वहाँ भीड़ ज्यादा रहती है, आप माने वहाँ महापौर जी आए, मुंह पे मास्क लगा हुआ था, स्कूटर लेके उन्होंने एक दुकान पे स्कूटर खड़ा करा, तो दुकानदार तो उन्हें पहचाना नहीं, दुकानदार ने कहा भाई साहब ये स्कूटर यहाँ से हटाओ, मैं बड़ी उससे बोला उनसे, तो महापौर जी ने कहा कि भाई इधर खड़ा कर देता हूँ, उन्होंने उधर खड़ा कर दिया, तो दुकानदार ने कहा नहीं 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 यहाँ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप स्कूटर हटाओ, मेरे ग्राहक ग्राहक आते हैं। महापौर जी ने कहा कि भाई इधर खड़ा कर देता हूँ, मैं वहां स्कूटर पे बैठा हुआ, मैं महापौर जी को पहचान गया, मैंने उनसे बोला नहीं, मैंने कि देखते हैं क्या ड्रामेबाजी हो रही। कहने का मतलब यह है कि दुकानदार बदतमीजी से महापौर जी के साथ पेश आता रहा, लेकिन महापौर जी ने उससे तू भी नहीं कहा। उसके बाद क्या होता है कि वहां कोई ठेकेदार उनके पीछे पीछे वो आ गया, जब ठेकेदार ने उससे कहा, दुकानदार से कहा महापौर जी है, तो वो दुकानदार उन महापौर जी के पास आया और बड़ा वो करने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि नेताओं को दिल बड़ा करना चाहिए, ये मेरे सामने नेताओं के लिए देखो, अच्छा भी कहता है कोई, बुरा भी कहता है, अब अगर नेता अगर छोटी छोटी बातों से चिढ़ेंगे तो फिर नेतागिरी कैसे होगी? बिल्कुल, नेता वही है जो समाज की अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को माने और उनका निवारण करने का प्रयास करें। अच्छा है, कुछ भी अच्छा करो आपकी आलोचना निश्चित रूप से होती है, लेकिन आप नेता बनते हो तो यह भी जिम्मेदारी है, कुछ बुराई आए तो उससे भी स्वीकार करना चाहिए।
कहीं ना कहीं उसकी कमी लगी इस पूरे मामले में। एक बात रवि जी और बताता हूँ मैं आपको कि मैं आज बाजार में सामान लेने गया था और सामान लेने गया तो वो सामान मेरे को 700 रुपए में दे रहा था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ये 500 रुपए का सामान है, तू मेरे को 500 रुपए में दे दे। दुकानदार जो काम करने वाला था उसने कहा भाई साहब 700 रुपए से मैं इसमें कम नहीं करूंगा। थोड़ी देर में उस दुकानदार का मालिक आ गया तो उसकी नजर मेरे पे पड़ी। मैं उस दुकानदार को नहीं जानता था। उस दुकानदार ने कहा कि आप साबिर खान है क्या, रामगंज मंडी के? मैंने कहा साबिर खान हूँ। तो कह रहे यार भाई साहब आप तो बहुत चर्चा में हो, ये हो, और आप तो बहुत बड़े गुंडे हो, दिलावर जी आपको गुंडे बता रहे। भैया ही नहीं, जितने में कह रहे इतने में दे दे। उस दुकानदार ने मेरे को वो 700 रुपए की चीज 500 रुपए में दी। आज की बात बता रहा हूँ अभी। मैंने मेरे पत्रकार साथियों को भी बताया रामगंज मंडी फोन करके, तो क्या दिलावर जी ने क्या मेरे को इतना बड़ा गुंडा बता दिया कि दुकानदार मेरे को 700 रुपए की चीज 500 में दे रहे। सही है। तो अभी आपके आगे की क्या रणनीति है पूरी बयानबाजी को लेकर, जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसको लेकर, और क्या कुछ कैसे हैंडल करेंगे इन चीजों को? देखो अभी मुकदमा दर्ज हुए तीन चार दिन हो गए और मेरे पास कोई पुलिस का प्रशासन का कोई फोन आया नहीं है। मैं बिल्कुल आज रामगंज मंडी रवाना हो रहा हूं। अगर पुलिस या प्रशासन बुलाती है तो मैं उन्हें सहयोग करूंगा, उनके पास जाऊंगा। अगर वो ये मानते हैं कि मैंने दिलावर जी की मानहानि करी है विधायक जी की, या उनकी जातिगत कोई टिप्पणी करके मैंने वो किया है, तो बेशक मेरे को गिरफ्तार करे, मेरे ऊपर कार्यवाही करे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरे को गुंडा कहा, मेरे को 56 साल की उम्र में आज तक मेरे पे कोई केस दर्ज नहीं है, तो मैं रामगंज मंडी पहुंच के मानहानि का दावा करूंगा। क्योंकि जब से मेरे को गुंडा कहा, दुकानदार लोग आधी रेट में सामान देने लग गए, वो मुझे बड़ा गुंडा समझने लग गए। मेरे रिश्तेदारों को फोन आ रहे कि हमें तो पता ही नहीं, आप तो पत्रकार समझते थे, हम तो आप तो गुंडे निकले, और तो मेरी बड़ी मानहानि हो रही है। मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, मेरे जहाँ समदान है वहां से फोन आ रहा है कि आप तो गुंडे थे, आज पता चला है, मैं तो एक जनप्रतिनिधि आपका बड़े बाजार में कह रहा है कि आप गुंडे हैं। तो मेरे को ठेस पहुंची है, मेरे परिवार तकलीफ में है, मेरी मैसेज करी कि आप गुंडे हैं। तो इससे ज्यादा ठेस तो मैं रामगंज मंडी पहुंच के और मेरी वकीलों से बात हुई है, मैं मान हाँ न्यायालय में होगा है, तो क्योंकि थाने में तो शायद मुकदमा दर्ज नहीं होता ज्यादा जानकारी है माननी में, तो न्यायालय में मैं इस्तीफा पेश करूंगा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के सही लिए। काफी कुछ चल रहा था मीडिया में पिछले 2-3 दिनों से इस पूरे मामले को लेकर, विस्तार से आपने अपनी जानकारी जो भी हमारे साथ साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से पत्रकार को कुछ भी अगर गलत होता है तो लिखने और बोलने की आजादी होती है, और पत्रकार को एकदम पूरे देशवासियों को हमारे संविधान ये आजादी देता है कि अगर उनको कुछ गलत लगे तो वो बोल सकते हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर आता है। एक बात और कहना चाहूंगा रवि जी के, मैं रामगंज मंडी का एक छोटा पत्रकार हूँ, विधानसभा क्षेत्र है और रामगंज मंडी में जाना चाहता हूँ। ये मान लें आपके रामगंज मंडी के पूरे क्षेत्र में भी नहीं जाना चाहता हूँ, मतलब हर आदमी नहीं जानता है, लेकिन जब से विधायक जी ने मेरा नाम लिया है और ये कहा कि साबिर खान गुंडा है, मेरे खिलाफ लिखता है, तो मुझे मेरे क्षेत्र के रामगंज मंडी के लोग तो जानने लगे, मैं पूरे प्रदेश में जानने लग गया, लोग मेरे को फोन करने लग गए। तो ये मेरे लिए भी गर्व की बात है कि विधायक जी ने मेरे को कहां से कहां पूछा दिया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे निरंतर संपर्क में रहेंगे और क्या रहता है पूरे मामले में इस बारे में समय समय पर जानकारी लेते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार की अन्य खबरें सबसे पहले, सबसे सटीक और विस्तार पूर्वक देखने के लिए बने रहिए हाड़ौती न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़, और प्रेस करें बेल आइकन को।